फ्रेंड्स, दिस इज सारिका एंड वेलकम टू माय चैनल सारिका क्लासेस। आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पक्का आएंगे, और इस सीरीज के माध्यम से आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के सारे आंसर देने की कोशिश करें तथा एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनें, जिससे आप हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप करके रिवाइज कर पाएं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? ए वास्को डी गामा, बी हॉकिंस, सी अल्मीडा एंड डी अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर है अल्मीडा। जैसा कि आप जानते होंगे, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया। फिर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने 1509 ईस्वी में टर्की, गुजरात तथा मिस्र की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया तथा द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो पुर्तगाली कंपनी थी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली एंड डी अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ए हॉकिंस, बी एडवर्ड टेरी, सी थॉमस रो एंड डी उपाध्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हॉकिंस। हॉकिंस अंग्रेजी शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार पहुंचा और वहां पर जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस की बातों से प्रभावित होकर इसे 400 का मनसब दिया तथा इसे फिरंगी खां तथा इंग्लिश खां की उपाधि भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? ए गोवा, बी बंगाल, सी केरल एंड डी सूरत। तो इसका राइट आंसर है सूरत। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय के पश्चात जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर एंड डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। थॉमस रो 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा वहां से 1616 ईस्वी में अजमेर में पहुंचा और जहांगीर के दरबार में जाकर के उनसे मुलाकात की। ये याद रखिएगा कि अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की किसने? थॉमस रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ए 1601 ईस्वी, बी 1632 ईस्वी, सी 1774 ईस्वी एंड डी 1651 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1632 ईस्वी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की। इसके बाद पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 ईस्वी में, चिंसुरा में 1653 ईस्वी तथा कोचीन में 1663 ईस्वी में स्थापित की। अब आप मुझे बताइए कि डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की? तो इसका राइट आंसर है पीपली कब, 1627 ईस्वी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और बंगाल में डचों द्वारा स्थापित जो फैक्ट्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सीरियल बताइए उन्होंने कहां कहां स्थापित की है। पहली पीपली, बालासोर, चिंसुरा, कासिम बाजार तथा पटना, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां तथा डी बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ, जिसमें मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चौरनौग को
हुगली से खदेड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा जिसे कोहनूर हीरा बोलते हैं किससे प्राप्त किया? ए सासुजा, बी जमाशाह, सी दोस्त मोहम्मद एंड डी शेर अली। तो इसका राइट आंसर है सासुजा। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद उसका पौत्र सासुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसका जो भाई था महमूद शाह उसने सासुजा को पराजित करके उसे काबुल की गद्दी से हटा दिया, जिससे पर सासुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से मदद मांगी और उन्होंने मदद की भी, जिससे खुश होकर सासुजा ने रणजीत सिंह को कोहनूर हीरा प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1760 का वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर एंड डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी। 18वीं शताब्दी में लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम है, अंबर युद्ध अगस्त 1779 ईस्वी, बी युद्ध जून 1757 ईस्वी, वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी एंड बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 ईस्वी, 18 अगस्त 1765 ईस्वी, सी 29 अगस्त 1765 ईस्वी एंड डी 21 अगस्त 1765 ईस्वी। तो इसका है 12 अगस्त 1765 ईस्वी। बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, जिसके पश्चात शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा शाह आलम ने 12 अगस्त के फरमान द्वारा बंगाल कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी ने उन्हें 26 लाख रुपया तथा निजामत व्यय के लिए मींस एक्स्ट्रा खर्च के लिए 53 लाख रुपए दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाई? ए मैसूर, बी श्रीरंगपट्टनम, सी बेंगलोर और डी कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई तथा जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। इसने टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध भी बनाए, जिसके लिए उसने कस्तूनिया, अरब, काबुल तथा मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड मैकाले एंड डी सर लियोनिल कार्टिस। तो इसका राइट आंसर है सर लियोनिल कार्टिस। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें द्वैत शासन में दीवानी तथा विजारत जिसे कानून व्यवस्था भी बोलते हैं की जिम्मेदारी अलग अलग होती है तथा द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? ए वेलेजली, बी कर्जन, सी डलहौजी एंड डी लिंकन। तो इसका राइट आंसर है डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए डलहौजी, बी कैनिंग, बी कैनिंग, सी मिंटो एंड डी वेलेजली। तो इसका राइट आंसर है कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झांसी की रानी की मृत्यु कहां पर हुई थी? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी ग्वालियर तथा डी झांसी। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई तथा वहीं पर इनका समाधि स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ए 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1858, सी जनवरी 1858
और डी 17 नवंबर 1858। तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के पश्चात कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत को सीधे क्राउन के नियंत्रण में दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इंदादुल्ला, सी नवाब लियाकत अली एंड डी कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में नेतृत्व प्रदान किया। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था उस समय, जो कि एक बहुत बड़ी राशि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा? ए मीर तकी, बी इकबाल, सी मिर्जा गालिब एंड डी मिर्जा जोक। तो इसका राइट आंसर है मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीन बंधु मित्र, सी शरद चंद्र चटर्जी एंड डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर है दीन बंधु मित्र। नील विद्रोह बंगाल के नाडिया जिले में दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में 1859 से 60 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ए जमींदारों के साथ, बी ग्रामीणों के साथ, सी मुकदमों के साथ तथा डी किसानों के साथ। तो इसका राइट आंसर है जमींदारों के साथ। 1773 में लॉर्ड कार्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इस नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।